हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी दयाशंकर पांडे जी, और आपने अभी कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जायस में आई थी, आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के निदेशक अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें की हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या शिकायतें हैं निदेशक RGIPT की। जी, जब से इनकी नियुक्ति हुई है यहाँ जी अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा जी की, जी इन्होंने पहला काम ये किया कि विश्व वर्जित भवन निर्माण किया धार्मिक किसी न परमिशन लिया किसी से और न इसके बनाए जाने का कोई औचित्य बताया जी, बहुत औचित था। उसके बाद इन्होंने लगे हुए भूमि पर जो यहाँ परिसर के अंदर प्रेम था जिसके स्वामित्व आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अब भी है, आज भी चला रहा है और शुरू से आ रहा है, उस पर 20 पेड़ मरे और 10 पेड़ आमों पर इन्होंने अभिधिक कटान अक्टूबर 2019 में करा कर उसकी हरे पेड़ कटा लिया, हरे पेड़ थे तो उनको कटा कर उनका विपणन कर लिया, सरकारी धनों में उसका पैसा जमा नहीं कराया तथा उसके साथ और भी पेड़ लगे थे वहाँ पर लगभग 1245 पेड़ थे शीशम के जी, उन पेड़ों में से लगभग 17 पेड़ भी काट कर इन्होंने शीशम के मूल्यवान लकड़ी बेचकर उसका भी अपहरण कर लिया और अपने अधीनस्थों के बीच में बंटवारा किया। जितने भी अफसर वहाँ थे इनके अधीनस्थ, इनकी जिम्मेदारियाँ थे कि चोरी रोकी जाए, वो सभी ही चोरी में शामिल हो गए। जैसे एक CBO पोस्ट इनके यहाँ है जी, चीफ बिजनेस अफसर की, इनका काम था कि सिर्फ चोरी रोकना, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मैंने सभी लोगों के सूचित किया था कि इसको बचाया जाए या इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, सब ने लिखा कि कोई पेड़ काटे नहीं गए, यहाँ तक कि आप वन विभाग के अधिकारी ने लिखा कि कोई पेड़ कटा नहीं है, परंतु जिला अधिकारी की एक जांच में ये पाया गया कि 10-20 पेड़ महुए और 10 पेड़ आम काट लिए गए हैं जो रिकॉर्डर थे खतरे में, वो खतरे की नकल भी हमारे पास है और हम इसके बारे में और भी जानकारी रखते हैं जो भी काटे गए जो बिना किसी उद्देश्य काटे गए, न परमिशन दिया गया, वन विभाग ने कहा हमने कोई परमिशन आज तक नहीं दिया है, वन विभाग कथन है कि जब कोई भी परमिशन आज तक हमसे प्राप्त नहीं किया गया। ये जो पेड़ काटे गए ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी परिसर के अंदर हैं? हाँ, इसके साइड वाली के अंदर है, परंतु इसका स्वामित्व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही आज भी है। इसके अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को स्वामित्व कैसे है इनके परिसर के अंदर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए जमीनें किसानों की अधिग्रहण की गई थी बल्क पेट्रोलियम डिपो बनाने के लिए जी, किसी कारणवश क्या था कैसा था धीरे धीरे इसे इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के हाथ दे दिया गया जी, इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने अधिकृत जमीन बेच कर भी एक अपराध किया, वो भी अपराध की श्रेणी का है कि अगर कोई अधिकृत जमीन बेचता है तो अपराध है, ना बेची जा सकती है। अच्छा, ये अधिग्रहित जमीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी को बेच दी? इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड को बेचा। अच्छा, इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड को बेची गई जमीन अधिग्रहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बेच कर वहाँ भी अपराध किया। अच्छा, उसके पश्चात कुछ दिनों बाद इंडियन ऑयल टैंकिंग से RGIPT ने इसको खरीदा, परंतु आज तक सिर्फ टेक्निकल विधिक बाध्यता के कारण उसके दाखिल फाइल भी रुका पड़ा है। अभी जिस भूमि पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है, आपका कहना है कि वो जमीन अभी उनके नाम ट्रांसफर नहीं हुई है? जी नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि अधिकृत जमीन न तो बेची जा सकती है, न गिफ्ट दी जा सकती है, न बंधक बनाई जा सकती है। तो 2002 में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ने जमीन खरीदी थी, 2008 में, और 2021 है आज, अभी तक इनके नाम ये जमीन नहीं है? नहीं, जिस पर भवन निर्माण है और ये इंस्टीट्यूट की स्थापना अवैध रूप से कर लिया गया है,
भू स्वामित्व ही संस्था है और भू उनके जो कर्मचारी भी हैं ये सब किराए के ही आए हैं, एक संविदा आज पे काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। तो आपने ये शिकायत सीधे केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद से की है? जी नहीं, मैं पहले कई बार कर चुका था, तो मैंने कहा कि कहाँ कहाँ आपने शिकायतें की? हमने जिलाधिकारी को शिकायत किया, हमने आपके पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को किया, इनके यहाँ सचिव को किया, सचिवालय में किया, सब जगह से आता कि उन लोगों ने जांच की है, कोई पेड़ नहीं काटा गया बताया जाता है, परंतु पेड़ कटे हुए इसका साक्षात प्रमाण है, खसरा और माल ढुलाई करते हुए ट्रकों से जो लकड़ी ढोई गई उसके साथ जो कि फोटो भी हमारे पास है, मतलब साक्ष्य आपके पास अभिलेखीय हैं? ये अभिलेखीय साक्ष्य भी है और मौखिक साक्ष्य तो भी है। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिनी ईरानी से ये दरख्वास्त करने का आपका उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य ये था कि उद्धस्त आदमी को खिलाफ को उसके पुरस्कार दिए जाने का उचित समय से पड़े। भ्रष्ट कौन है? जैसे मिस्टर अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा। अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा अर्थात निदेशक RGIPT, इन पे आपका आरोप है कि ये भ्रष्ट है? तभी तो इनाम जब मिला मुझे लगा कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को इनाम देना इनाम की अवमानना है या पुरस्कार की जी। तो नहीं, आगे तो जब माननीय स्मृति ईरानी महोदय से मैंने ये निवेदन किया है कि चूंकि सारे विकल्प हमने अब तक के इस पे फॉलो कर लिया है, सारी चीज़ें शिक्षा लिखे में सी सतर्कता अधिकारी को भी लिखा, हमने CBO को लिखा, हमने बड़े बड़े अधिकारियों को लिख डाला, उसके बाद अब सिर्फ विकल्प बचता है कि अगर हमारे सांसद महोदय मदद करेंगे तो CBI से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो आप हैं दयाशंकर पांडे और वरिष्ठ समाज सेवी हैं और RTI एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी संस्थान के निदेशक पर, और आपका कहना है कि इन्होंने तमाम अधिकारियों को इस संस्थान के भ्रष्टाचार की शिकायत की है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर अंत में बाध्य होकर उन्होंने अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिनी ईरानी से शिकायत की है इस संस्थान के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध CBI से जांच कराए जाने की। धन्यवाद।